वेलकम टू एस आर इंग्लिश इंस्टीट्यूट दिस इज आर शर्मा टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वॉइस इन दिस वॉइस आई एम गोइंग टू टेल यू स्पेशली फॉर द वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेट्स स्टार्ट दिस वॉइस फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ द वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी सबसे पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान को बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी हिंदी वाक्य में वॉइस लिखा हो यानी कि एक्टिव या पैसिव में कोई वाक्य दिया हो तो कैसे समझेंगे कि वो एक्टिव का वाक्य है या पैसिव का वाक्य है तो पहचान को ध्यान से समझें आई डी एन टी I F I C A T I O N आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान यानी इसे कैसे पहचानेंगे तो ध्यान रखें सबसे पहले मैं एक्टिव वॉइस ये भी एक्टिव वॉइस का पहचान बता रहा हूं कि जब किसी क्रिया के अंत में यानि हिंदी क्रिया के अंत में रहा है रही है रहे हैं रहा हूँ रही हूँ एक्सेट्रा लगा हो तो ऐसे वाक्य को द वॉइस द एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझा जाता है वहीं पैसिव वॉइस का पहचान है कि किसी हिंदी क्रिया के अंत में यानी हिंदी क्रिया के साथ भी कह सकते हैं या जा रहा है ई जा रही है ई जा रहे हैं, या या जा रहा हूं ई जा रही हूँ एक्सेट्रा दिया हो तो ऐसे वाक्य को हम लोग पैसिव वॉइस समझा जाता है ए, प्रेजेंट प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अब नेक्स्ट मैं टॉपिक को बताने जा रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसका स्ट्रक्चर को ध्यान रखें यानी इस वॉइस में भी हम लोग छह प्रकार से स्ट्रक्चर को बनाते हैं फर्स्ट वन है असर्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस इट मींस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के बाद इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा यानी यूली भॉब के रूप में और इसमें भाव का चौथा रूप का प्रयोग होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है यानी कि ये एक्टिव वॉइस में दिया होगा तो इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे यानी कि जब इस स्ट्रक्चर को किसी भी सेंटेंस को दिया हो तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लेकर आएंगे हालांकि सभी में ऐसा ही रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर ले जाना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आए सब्जेक्ट के स्थान पर तो ये ऑब्जेक्ट uh, निश्चित रूप से आया लेकिन ये यह, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने लगा यानी कि यदि ऑब्जेक्टिव केस में हो तो इसे सब्जेक्टिव केस में बदल देना है उसके बाद एक्चुअली भर को सीधे उतार देंगे इस टेंस में इज एम आर और इसमें या किसी भी एक्टिव वॉइस में यदि भी फोर दिया हो तो उसे हम लोग बीन लगाकर बी आई बीन लगाकर भी थ्री में बदल देते हैं और तब बाई का प्रयोग कर कर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है इस पर एग्जाम्पल होगा एक्टिव वॉइस का ही इज Solving your problem. इसका हिंदी होगा कि वह है तुम्हारे समस्याओं का समाधान कर रहा है वह है तुम्हारे या आपके भी कह सकते हैं समस्या का समाधान कर रहा है तो ध्यान रखें इसमें रहा है का प्रयोग हुआ क्रिया के साथ करना के साथ कर रहा है तो क्रिया के साथ रहा है लगा होगा या रही है रहे हैं एक्सेट्रा यानी लगा हो तो इसे एक्टिव वॉइस समझा जाता है और वहीं इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को लेकर आना है तो भाव मेन भाव के बाद में ये दो शब्द मिल करके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे यहाँ यदि यू रहता तो सीधे आ जाता या योर भी रहे और उसके बाद नाउ रहे तो सीधे का सीधे आ जाता है यानी इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है योर प्रॉब्लम इज अब उसके बाद भाव का प्रयोग बताएं कि ई जी एम आर का प्रयोग करेंगे तो ई जी एम आर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो यहाँ प्रॉब्लम सिंगुलर रूप में है तो इज का प्रयोग होगा और अब यहाँ पर मेन भाव सोल्विंग वी फोर के रूप में दिया है तो बताएं कि जब भी किसी भी एक्टिव वॉइस में जब भी फोर दिखाई दे तो उसके पहले हम बींग का प्रयोग कर दें और तब जाकर उस मेन भाव को भी थ्री में बदल दें तो सोल का होगा एस ओ एल solved डी और सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो बाय का प्रयोग कर कर और इसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना होता है इसके पीछे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के रूप में बदलना सिखाया था सेकेंड वन <laughs> होगा इसका स्ट्रक्चर असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इसमें होगा एक्टिव वाइस का पहचान है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ इसमें केवल इज इस एम आर के बाद नोट लगेगा इज एम आर प्लस नोट प्लस वी नोट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड हो तो दिया जा सकता है पैसिव वॉइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेकर आना है सब्जेक्ट के स्थान पर उसके बाद ई जे एम आर यानी जो भी एक जूली भर्म स्टेंस में हो उसे सीधे उतार दिया जाता है उसके बाद नॉट को भी सीधे उतारेंगे और उसके बाद वी फोर को बताया था मैंने कि इसमें कहीं भी वी फोर दिखाई दे तो उसे बिंग में बदल कर उस मेन भाव को भी थ्री में बदल दीजिए और तब बाई का प्रयोग कर कर ऑब्जेक्ट का यानी बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लेकर आइए जो सब्जेक्ट यहाँ दिया है एक्टिव वॉइस में तो हम सब्जेक्ट यहाँ लेकर आएंगे लेकिन किसी वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट जरूर आएगा जो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में यानी ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा यानी वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा यानी कि उसे रूप को चेंज कर देंगे यदि प्रोनाउन में हो तो ऐसे नाउन तो जैसे राम हो तो राम ही हो जाता है नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है केवल उसके प्लेस को चेंज होने से वो उसका केस बदल जाता है जैसे यहाँ किसी नाउन को रखेंगे सब्जेक्ट के जगह पर तो वो नोमिनेटिव केस में होगा यानी कर्ता कारक में यहीं उसे ऑब्जेक्ट के रूप में राम को रख देंगे तो कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन वो नाम में केवल बदल आ, अंतर आएगा यानी उसका नाम बदल जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा उसी प्रकार किसी नाम को यदि ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो वो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा नाम राम का राम ही होगा सब्जेक्ट में भी राम को रखेंगे तो वो राम ही रहेगा लेकिन सब्जेक्ट केस में वो सब्जेक्टिव केस का लाएगा या नोमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम नोमिनेटिव केस भी होता है इसका एग्जाम्पल होगा अब यहाँ पर मैं इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए लिख रहा हूँ ताकि बार बार हिंदी न लिखना पड़े अच्छा सॉरी यहाँ पर देखें ध्यान रखें कि इसका हिंदी लिखना मैं भूल गया था तो ध्यान रखिए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ये आया तो तुम यहाँ तुम्हारी समस्या या आपकी समस्या जो लिखे तुम्हारी समस्या तुम्हारी समस्या का या को भी दे सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है सब्जेक्ट के स्थान पर तो ऑब्जेक्ट में हम लोग को लगाते हैं इसलिए शुरू में ये आया है ऑब्जेक्ट ही इसलिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह ही सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है इसलिए को का प्रयोग होगा हिंदी में तुम्हारी समस्या का समाधान उसके द्वारा किया जा रहा है यहाँ ध्यान रखिए क्रिया कि के साथ यानी करना यानी किया जा रहा है या जा रहा है यहाँ बताए थे क्रिया के साथ या जा रहा है ई जा रही है ये जा रहे हैं या जा रहा हूँ ई जा रहे हूँ एक्सट्रा लगा हो तो पैसिव भाई इसका पहचान होता है तो इसमें मैं डायरेक्ट इसको उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए लिख रहा हूँ ही इज नॉट सोल्विंग योर प्रॉब्लम एक्टिव वॉइस में हुआ इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो योर प्रॉब्लम उसके बाद इस भर का प्रयोग करना है उसके बाद नॉट को सीधे उतार देना है उसके बाद भीथरी में बींग भी लगाकर भीथरी में बदलेंगे बाई सब्जेक्ट ही है तो ये इसे ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो हिम में बदल जाएगा अब नेक्स्ट होगा इसमें यानी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी अभी इंटोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स द वॉइस ऑफ इंटोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का कि सब्जिक के सब्जेक्ट के बाद यानी कि एक जूली भर्व लगाने के बाद इज एम आर एक जूली भर हुआ उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और तब वी फोर का प्रयोग करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन माँ का प्रयोग कर देंगे इसी का पैसिव वॉइस होगा वही होगा इज एम आर बाहर निकला है तो एम आर को बाहर निकालेंगे केवल अंतर यही होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर करना होता है तो यहाँ सब्जेक्ट है जहाँ सब्जेक्ट रहेगा वहाँ ऑब्जेक्ट आएगा जो सब ऑब्जेक्ट को लेकर आए जो सब्जेक्ट में बदल जाएगा यानी काम करने लगेगा ऑब्जेक्ट को उसके बाद वी फोर का प्रयोग हुआ है तो इस इसके पहले बिंग का प्रयोग करेंगे उसके बाद भी थ्री में मेन भाव को बदल दिया जाता है बिंग का प्रयोग कर कर उसके बाद बाई और तब यहाँ सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ऑब्जेक्ट का, का काम करने लगेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाता है एग्जाम्पल होगा इज ही सॉल्विंग योर प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस का हुआ ये एग्जाम्पल इसका पैसिव वॉइस होगा इज योर प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ इज का प्रयोग योर प्रॉब्लम के अनुसार ही होगा तो सिंगुलर है योर प्रॉब्लम योर प्रॉब्लम इज इज हो गया है वहाँ तो अब बचेगा बींग जब किसी विधि भर का एक बार प्रयोग हो जाएगा तो उस वाक्य में दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे ज बींग सोल्ड बाई हिम क्वेश्चन मार्क फिप्तोन होगा इसका स्ट्रक्चर इंटोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस यानी केवल अंतर यही है कि इसके ऊपर वाले इंटोगेटिव सेंटेंस में एक, एक एक्स्ट्रा नॉट का प्रयोग कर देंगे नॉट का प्रयोग करेंगे तो एक भाव का के बात करें या सब्जेक्ट के बात करें यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यानी इसके साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करें चाहे इज आर अम और आर भी कर सकते हैं और तब जाकर वी फोर का प्रयोग तब जाकर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क इसमें भी होगा पैसिव वॉइस इसका बनेगा वहीं इज एम आर सेम उतर जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट है आ गया तो यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लाना है जो ऑब्जेक्ट आया लेकिन सब्जेक्ट का, का काम करेगा नॉट सीधे उतर जाएगा और वी फोर मिल गया तो कहीं भी वी फोर मिले तो बिंग के बाद वी थ्री में बदल दीजिए और बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो अंत में वो ऑब्जेक्ट का काम का का करने लगेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे इसका एक्टिव वॉइस होगा इज ही नॉट सोल्विंग योर प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क पैसे वॉइस में बदलेगा तो इज इज योर प्रॉब्लम ध्यान रखिए योर जब रहे तो उसके बाद वाले नाउन के अनुसार सब्जेक्ट का यानी भाव का प्रयोग किया जाता है यहां पर यूर के बाद नाउन सिंगुलर है यदि यू हो तो इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसके यू यू के बाद वाले नाउन के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यू के बाद कभी भी किसी नाउन का प्रयोग किया ही नहीं जाता है क्योंकि यू एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन अपने बाद में कभी नाउन को नहीं लेता है सब्जेक्ट के रूप में प्रॉब्लम और उसके बाद यहाँ नॉट दिया है तो नॉट प्लस बींग का प्रयोग करेंगे क्योंकि भी फोर सोल्विंग है सोल्व बाई ही का ही में बदल देंगे यानी ऑब्जेक्टिव केस में और वन टू ये थ्री होगा सॉरी थ्री और फोर नंबर था और ये फिफ्थ वन इसका होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस कहें या इंटोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं लेकिन डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ गया यहाँ तो तो क्वेश्चन का ही मतलब होता है इंटोगेशन यानी प्रश्न तो यहाँ स्ट्रक्चर होगा एक क्यू वाइज का कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन का मतलब वाई वेन वेयर लगा होता है इसीलिए शॉर्ट में हम यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन देते हैं क्यू यू एस और वर्ड शॉर्ट में यहाँ दे दिए ताकि वाई वेन वेयर वर्ट हुम हु, हु, देना ना पड़े उतना लंबा उसके बाद एक जूली भर इज एम आर का प्रयोग होगा उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा उसके बाद वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क इसी का जब पैसिव में बदलेंगे तो वहीं सेम होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर वहीं पर उतर जाएगा जहाँ एक जुली भर हो वहीं वो उतरेगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो जैसे सब्जेक्ट कहीं भी मिले तो उसी के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लाने का प्रयास करें तो सब ऑब्जेक्ट को लेकर आए तो सब्जेक्ट बन गया यह और फिर वहाँ भी फोर है तो उसमें बिंग का प्रयोग कर कर और भी थ्री में बदल दीजिए उसके बाद बाई का प्रयोग कर कर और सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा इसलिए अंत में वो सब्जेक्ट को कोस्ट में कर दिया गया क्योंकि सब्जेक्ट का वो काम नहीं करेगा वो वही शब्द ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा तो यहाँ होगा वाई इज ही नॉट सोल्विंग योर प्रॉब्लम आप चाहेंगे तो हाउ का भी कह सकते हैं हाउ यानी वो अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर रहा है सॉरी यहाँ नोट का प्रयोग इस सेंटेंस में नहीं है इसलिए अलग से हल आ गया इसके बाद वाले में नोट का प्रयोग करेंगे पैसी वॉइस में इसको बोल लेंगे तो हाउ इज यहाँ फिर सब्जेक्ट आ गया था सब्जेक्ट ही आसान पर ये ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे योर प्रॉब्लम बींग बिफोर का प्रयोग हुआ है तो बींग सोल्व बाई ही के को बदल देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में तो हीम हो जाएगा अब यहां सिक्स लास्ट सिक्स वन स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव सेंटेंस यानी इसमें नोट का प्रयोग होगा केवल ऊपर वाले में अंतर यही है तो एक्टिव वॉइस में इसका प्रयोग होगा तो इसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट उसके बाद वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क इसी तरह इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्वेश्चन शॉर्ट में ही लिख रहे हैं वर्ड प्लस इस एम आर प्लस ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो सब्जेक्ट होगा नॉट प्लस बींग प्लस भी थ्री प्लस बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यानी बाई प्लस सब्जेक्ट का को लेकर आएंगे तो अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा अब इसी का एग्जाम्पल होगा एक्टिव वॉइस में हाउ इज ही नॉट केवल नॉट इसमें जोड़ दिया गया सोल्विंग your problem question mark passive voice में इसे बदलेंगे तो how is subject के जगह पर आ जाएगा your problem not being solved solved by म और में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे दैट्स